मकर राशि वालों, दिवाली के बाद आपका इतिहास ही बदल जाएगा। लगी रहे नजर किनारों पर, कभी तो लहर आएगी, न जाने तकदीर के किस झोंके से जिंदगी ही बदल जाएगी। मकर राशि वालों, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बस आपको शुरुआत करने की जरूरत है। अगर इंसान सीखना चाहता है तो वह किसी के दो लफ्जों से भी सीख सकता है, वरना ना समझ लोगों के लिए 100 किताबें भी कम पड़ जाती है। मकर राशि वालों, जीता वही है जो लड़ना शुरू करता है, वरना बहादुरी की बातें तो हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। दोस्तों, मानव जीवन रहस्यों से भरा हुआ है, इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ चलते रहेंगे तो किस्मत कब बदल जाती है पता ही नहीं चलता। तो आइए जानते हैं मकर राशि फल। धन दौलत सुख साहिबी ईश्वरीय के दाता शुक्र ग्रह 21 नवंबर को धन भवन में प्रवेश करने वाले हैं। आत्मा के कारक सूर्य ग्रह भी 16 नवंबर को आपके लाभ भवन में प्रवेश करेंगे। बुद्धि के प्रदाता बुध ग्रह पूरे नवंबर महीने में व्यापार भवन में रहने वाले हैं। रक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले भूमि मकान के प्रदाता मंगल ग्रह 10 नवंबर को कर्म भवन में प्रवेश करेंगे। उच्च स्थान प्रदान करने वाले गुरु ग्रह पूरे महीने मोक्ष भवन में रहने वाले हैं। ग्रहों की स्थितियां बदल रही है। ग्रह गोचर के आधार पर हम कह सकते हैं कि बड़ा उलटफेर होने वाला है, जिसके चलते दिवाली के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मकर राशि फल 2019 के अनुसार नवंबर का महीना करियर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको कार्यक्षेत्र व्यवसाय में बहुत ही शुभ अवसर मिलने वाले हैं। आप योजनाओं को साकार रूप देने में भी कामयाब रहने वाले हैं, जिसके चलते आपकी उन्नति होने वाली है। दोस्तों, आप प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की करने वाले हैं। आपकी आमदनी में इजाफा होगा। जो लोग नौकरी को लेकर चिंतित थे, वह चिंता करना छोड़ दीजिए। अच्छे भाग्य के चलते आपको अच्छी जगह नौकरी मिल ही जाएगी। इतना ही नहीं, आप वहां पर सफल भी होंगे। खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए नवंबर का महीना लाभकारी रहने वाला है। सैलरी में वृद्धि होने से आपकी खुशी में बढ़ोतरी होगी। 1 से 10 नवंबर द्वादश चंद्र आपकी आय में बढ़ोतरी कराने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, साथ में प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का अवसर भी प्राप्त होगा, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। यदि आप भागीदारी से नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनके लिए समय शुभ है। सफलता के योग आपको निवेश के चलते धन लाभ दिलाने वाले हैं। विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे जातकों के कार्य समय पर संपन्न होंगे। अधिकारी एवं सहकर्मी की ओर से आपको लाभ भी मिलेगा। आपको संस्थान की ओर से सराहा भी जा सकता है। दोस्तों, धन प्राप्ति के आपके हर वह प्रयास में आपको सफलता मिल सकती है, जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। खासकर शेयर बाजार एवं सट्टे से धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। व्यापार में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। जमीन, धातु, कपड़ा से जुड़े व्यवसाय करने वाले एवं रोजमर्रा के कार्य करने वालों को भाग्य उम्मीद से ज्यादा धन प्राप्त कराने वाला है, जिसके चलते भोग विलास संबंधित सामग्री लेने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, आपको कोई और क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिलेगा, अच्छा प्रस्ताव मिलेगा, जिनका आप सही से लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। 11 से 20 द्वादश गुरु विद्यार्थी जातकों के लिए शुभ समय लेकर आया है। व्यापार भवन में बुध ग्रह के चलते पढ़ाई के साथ अच्छी जगह कार्य करने का मौका मिलने वाला है। नवंबर महीने में माता पिता के स्वास्थ्य जुड़ी चिंताएं रहने वाली है। आपको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में सहयोग और समर्पण का माहौल रहने वाला है। यदि आप अपने साथी को मनाने की कोशिश करेंगे तो टूटे रिश्ते फिर से जुड़ने के योग बन रहे हैं। लव रिलेशनशिप में रहने वाले जातकों के संबंध और मजबूत होंगे। एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। सच्चे प्यार की तलाश भी पूर्ण होने वाली है। नए रिश्ते बनेंगे। भाग्य आपको दोस्त, साथी, प्रेमी के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका देने वाला है। पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। लव लाइफ को शादी के बंधन में बांधने के लिए समय आपका साथ देने वाला है। विवाह योग के चलते आपको मनपसंद साथी चुनने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, सकारात्मक सोच के साथ चलते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। यह था मकर राशि फल नवंबर 2019। वैदिक साधना चैनल में धर्म और ज्योतिष आधारित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।